तरफ। आरिफ जी ने ये सवाल भेजा है। आरिफ NRI है, पिछले 20 साल से अपने परिवार के साथ विदेश में रह रहे हैं। भारत में इनके और इनकी पत्नी के नाम पर 2 फ्लैट हैं जो किराए पर दिए गए हैं। दोनों का किराया मिलाकर करीब 25,000 रुपए इन्हें मिलते हैं। जानना चाहते हैं कि क्या इस इनकम पर, इस रेंटल इनकम पर उन्हें हर साल टैक्स देना होगा और रिटर्न फाइल करना होगा। घर किराया और टैक्स, आरिफ इसके बारे में क्लैरिटी चाहते हैं। देखिए प्रियंका, आरिफ जी जो बता रहे हैं कि उनके पास 2 घर है और दोनों का कुल मिला के किराया अगर 25,000 आता है तो ये इनकम टैक्सेबल है, परंतु अगर उनके और दूसरी कोई इंडिया में इनकम नहीं है तो कुल मिला के 3,00,000 का किराया होता है, उसमें से 30% का डिडक्शन मिलता है तो 2,10,000 टैक्सेबल इनकम बनती है। तो अगर भले उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया हो या उनकी वाइफ ने इन्वेस्ट किया, दोनों केसेज में ये रिटर्न भरने की उनकी जवाबदारी नहीं है, क्योंकि 2,50,000 रुपए तक की जो बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट है उससे क्रॉस नहीं होता है। परंतु सपोज अगर ये इनका 25,000 रुपए हर घर का किराया आता है तो वो इनकम ज्यादा हो जाएगी। और मैं ये भी मान रहा हूं कि ये पैसा उन्होंने खुद लगाया है, भले फ्लैट जो है वो उनकी वाइफ के नाम से खरीदा है, इस स्थिति में अगर उनका नेट रेंट 30% जो डिडक्शन के बाद में अगर 2,50,000 से ज्यादा होता है या ये 2,50,000 से ज्यादा नहीं होता परंतु दूसरी कोई इनकम टैक्सेबल है इंडिया में और उसको मिला के अगर 2,50,000 से ज्यादा होता है तो ये उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न वही सहज या दो दो